लाम्बिया एक अद्भुत जोंबी थी जो छोटे बच्चों को गिरा कर उन्हें मार दिया करती थी। उनका आकार सांप की तरह होता है, शक्ल इंसानों की तरह। पुरानी मान्यताओं में बताया गया है कि उसके भी बच्चे हुआ करते थे जो किसी ने मार दिए थे। इसी ईर्ष्या के कारण वो दूसरों के बच्चों को मार दिया करती थी। प्रथम कहानी के मुताबिक लाम्बिया के प्राण को एक मूर्ति में कैद कर दिया गया था ताकि कभी वो मानव जात को परेशान न कर सके। अगर वो आजाद हो गई तो वो अपने पुराने भूतिया बदला लेने की शक्ति से पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है जब एक चोर उस मूर्ति को चुरा लेता है और वो उस मूर्ति को चुरा के भाग रहा होता है तो पुलिस वाला उसे गोली मारता है, पर वो गोली जो है उसके पैरों पर जा लगती है और उसके खून निकल रहा होता है। वो खून जो है उस श्रापित मूर्ति के लग जाता है। फिर वो एक क्लब में जाता है। क्लब में जाकर वो ड्रिंक मांगता है तो लड़की उसे ड्रिंक ला के देती है। वो देखती है कि उसके खून निकल रहा है। वो अपने बॉस को जाके बताती है कि पुलिस को कॉल करो, वहाँ एक आदमी आया है जिसके खून निकल रहा है। तो बॉस कहता है कि पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो को बुलाओ। तो वो कहती है कि जो तो आया ही नहीं है। तो बॉस कहता है कि चलो मैं उसके पास जाता हूँ। तो वो चोर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मालूम है ये टेबल कितनी महंगी है जिसे तुमने खराब कर दी है, चलो निकलो यहाँ से। तभी वो चोर कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे पुलिस ढूंढ रही है। ये देखो मेरे पास चोरी की मूर्ति है, मुझे चोरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 20,000 रुपए, इसका आधा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस मेरे गोली लगी है वो निकाल दो। तभी खून लगने के कारण उस श्रापित मूर्ति से वो लाम्बिया नागिन आजाद हो जाती है। वो उस लड़की के शरीर पर जाके कब्जा कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आदमी जो है उस चोर के गोली निकाल देता है। चोर जो है रेस्ट कर रहा होता है, वो नागिन वहां उस चोर को मार देती है। तभी देखते हैं कि दो भाई उस चोर का वेट कर रहे होते हैं जिन्होंने मूर्ति चोरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। तभी वो टीवी ऑन करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वो मूर्ति चोर जिन्होंने मूर्ति चुरा ली थी वो गायब है। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ चोर को पुलिस वाला भी ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ वो नागिन सभी को अपना शिकार बना रही होती है। वो दोनों भाई वहाँ उस पुलिस वाले से टकरा जाते हैं। पुलिस वाला उन पर शक करता है, कहता है कि तुम भी शामिल होना मूर्ति चुराने में। तभी वो पुलिस वालों को शापित मूर्ति के बारे में बताते हैं। वो उनके पूर्वजों की मूर्ति है जिसे वो तोड़कर समाप्त करना चाहते हैं, पर पुलिस वाला उनकी बात पे यकीन नहीं करता है और उस चोर को ढूंढने के लिए उनके साथ निकल पड़ता है। वो तीनों उस मूर्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ वो नागी सभी लड़कियों को जोंबी बना देती है और उस क्लब के मालिक और बाकी सभी को मार देती है। वहाँ वो दोनों जो है भाई खून के निशान को देखते हैं। खून के निशान को देखते हुए खून के निशान का पीछा करते हैं और क्लब में पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उनमें से एक भाई आगे जाके बैठता है। वो उस नागिन को पास से देख रहा होता है। वो नागिन उसे उठाकर ले जाती है। वहाँ पर सारी जोंबी लड़कियाँ आ जाती है। पुलिस वाला और वो दोनों भाई जो है उन्हें शूट करते हैं। तभी वो नागिन आकर बड़े भाई को ले जाती है। फिर छोटा भाई और पुलिस वाला उनका पीछा करते हैं। वो अपने बड़े भाई को बचाने के लिए अपने बड़े भाई को गोली मार देता है, फिर उस नागिन को भी गोली मार देता है। उसका बड़ा भाई जो है मर जाता है और नागिन भी। वो कहता है कि मैं अपने बड़े भाई की लाश यहाँ नहीं छोड़ूंगा। एंड में हम देखते हैं कि नागिन जिंदा ही है। वही मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी की स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।